वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपके भी ये फ़ोन में हो रहा है कि आपके मोबाइल की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो रही है और इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्कैप की स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में हो रहा है कि आपके मोबाइल की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ शटर डाउन करना है और फिर आपकी जो भी ब्राइटनेस रहेगी उसके सामने 3 डॉट का ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपका ये ऑन होगा तो जो भी आपकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस यहाँ पर कम ज़्यादा होगी तो इसको सिंपली यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आप जितनी भी ब्राइटनेस करेंगे वो यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो यहाँ पर रहेगी। अगर आपका ये ऑन होगा तो आपकी जो भी ब्राइटनेस रहेगी ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएगी। इसको यहाँ पर बंद कर देना है फिर डन पर क्लिक कर लेना है तो जो भी आपकी ब्राइटनेस रहेगी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से रहेगी, नहीं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट होगी। तो अगर आपके भी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है तो आप भी इसको इस प्रकार को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।